जनपद रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के एक गांव में कुछ दिन पहले हुई पति की हत्या में उसकी अपनी पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर पति की गला रेतकर हत्या की थी। ये हत्या जमीन के खातिर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर किया। इस मामले का पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने आज खुलासा करते हुए बताया कि पति की हत्या में उसकी अपनी पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर यह षड्यंत्र रचकर पति को मौत के घाट उतारा। इस हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5ों को जेल भेज दिया गया है। इस हत्या के खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने 10,000 के इनाम की भी घोषणा की। थाना पटवाई में जनपद में 21 तारीख को प्रातः सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जो फेरी लगाता था उसकी डेड बॉडी उसके घर के बाहर पड़ी हुई है, उस पर चोट के निशान है। मौके पर जाकर पता लगा कि वो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था और वहीं रात में ही किसी ने धारदार हथियार से हमला करके उसको हत्या कर दी है। और मौके पर कोई क्लूज नहीं थी और उसके पत्नी द्वारा आरोपित किया जा रहा था तत्समय कि वो उसके परिवार के कुछ लोग अन्य लोग आए थे और उसके ऊपर हमला किया और उसको पकड़ के बांध के डाल दिया। लेकिन वो जो सीक्वेंस बताया जा रहा था, जो साइंटिफिक तरीके से हमारी टीम ने उसको चेक किया मौके पर, डिफेंस पी ने और CO ने और SO ने, तो ये प्रतीत हुआ कि कहानी झूठी है और शीघ्र ही मृतक के परिजनों द्वारा उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा लिखा है। इसमें पुलिस टीम लगी रही और कल इन्होंने भारी सफलता प्राप्त की जब उसकी पत्नी को अरेस्ट किया और फिर उससे पूछताछ के बाद 4 अन्य लोगों को अरेस्ट किया है। सारी कहानी इसमें निकल के आई है कि ये इसकी पत्नी का एक व्यक्ति से अवैध संबंध बन गए थे। जो मृतक है उसने इसके नाम पहले प्रॉपर्टी अपनी कर दी थी पत्नी के नाम, फिर उसको हटा लिया था, फिर से कर दिया था। इसको भय था कि इसी तरह से कभी भी प्रॉपर्टी हमसे ले सकता है, तो षड्यंत्र रच के उसने एक विनय शर्मा नामक व्यक्ति से जिससे उसके संबंध थे तय किया। उसने अपने 3 साथियों को बुलाया और 20 तारीख की रात में उसका मर्डर कर दिया। दिखाने के लिए पत्नी को बांध कर चले गए थे। यह एक बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसको हमारी पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक इसको खोला है, जिसके लिए टीम को 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। ये 4-5 आदमी जो हैं इसके अंदर टोटल, इसमें तो इसमें इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से भी ये कुछ कर? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिली है और ये सब जो है पैसे के लालच में इनके द्वारा ये कार्य किया गया है, बट वो भी हम लोग देखेंगे क्या इनका आपराधिक इतिहास रहा है, ताकि हम लोग इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगा सकें।